दोस्तों लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, जो कि अभी पंजाब के सीएम भगवंत मान है उनको हो गई है। इस बीमारी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, बहुत आसानी समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझते हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम जो देता है दोस्तों आपको दवाइयां बीमारियों की जानकारी, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों यहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस बहुत कम आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत कम होती है ये बीमारी और पहले के समय में बहुत ज्यादा थी ये बीमारी जब लोग ग्रामीण एरिया में रहते थे और आज भी रहते हैं हालांकि, लेकिन ये बीमारी ज्यादा वहीं पर देखी जाती है क्योंकि जो जानवर होते हैं उन्हीं के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, जो भी हमारे जानवर हैं, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, कोई भी, जब ये पेशाब करते हैं तो इनके पेशाब के अंदर एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। ठीक है, इस पेशाब के द्वारा आदमी के शरीर में ये फैल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यार पेशाब के द्वारा ये कैसे फैलेगा, जब किसी जानवर ने पेशाब कर दिया जमीन पर और आप वहां पर चल देंगे, मतलब आप चल के जा रहे हैं, आपने चप्पल वगैरह नहीं पहनी है या पहनी भी है, तो आपके शरीर में कहीं पे कट लगा हुआ है पैर में, मतलब कि कोई छोटा मोटा कट, तो उसके द्वारा यूरिन आपके पैर से कनेक्ट होने के बाद ये इन्फेक्शन आपके शरीर में आ जाता है। तो पेशाब के द्वारा फैल रहा है, आपके शरीर में आने का सिर्फ माध्यम ये है कि आपकी ब्रोकन स्किन या इंजरी, जो आपके बॉडी पार्ट है जहां पर आपको चोट लगी है पहले से ही और आपने उस जगह पे हाथ रख दिया या पैर रख दिया जहां पे एनिमल का पेशाब था, यूरिन पड़ा हुआ था, तो इस तरह से ये बीमारी आपको हो जाती है। 2 हफ्ते और 2 महीने तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इतने दिनों तक ये शरीर में रहता ही है। और हालांकि इसमें जान तो किसी की नहीं जाती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपको मेनिनजाइटिस और पीलिया जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अगर किसी को लेप्टोस्पायरोसिस हो भी जाता है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली उसको सर दर्द होगा, बुखार आएगा बहुत तेज, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होगा, हड्डी में बुखार आएगा कह सकते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन होगा और इवन पेट दर्द होगा, दस्त भी लग सकते हैं, ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। और अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इतना ही पॉसिबल कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो जाए। लेकिन चेक कैसे किया जाएगा, देखिए क्या होता है कि जो इसमें जो लेप्टोस्पायरोसिस हो रहा है, जो भी सीएम है पंजाब के, उनको हुआ है, उनको भी यहीं ऐसे ही किसी जगह पर उन्होंने पैर वगैरह रखा होगा, उनके इन्फेक्शन हो गया, 2 महीने से वो परेशान है इस चीज से। सो इस चीज को पता कैसे किया जाए, क्योंकि इसके जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि भाई हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सरदर्द, बुखार, ये सब चीज़, तो डेंगू में भी होता है, तो बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो पीसीआर टेस्ट होता है दोस्तों, वो किया जाए और एक यूरिन कल्चर, जब इस टेस्ट को किया जाता है तो पता चल जाता है कि भाई लेप्टोस्पायरोसिस की प्रॉब्लम है। तो फिर उस जब बीमारी का पता चल जाता है तो एक प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के डोज के साथ उसको ठीक किया जाता है। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा समय लग जाए, 1-1.5 महीना, लेकिन ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं आप ठीक करवाते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, तो फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, आपके दूसरे अंगों तक ये बैक्टीरिया पहुंचेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो फिर आपको और तकलीफ बढ़ेगी। तो यही होता है दोस्तों क्या लेप्टोस्पायरोसिस। अब अगर बात की जाए इसमें डाइट की, तो देखो डाइट भी बहुत जरूरी है, हालांकि डाइट के लिए मैं वीडियो अलग से बनाने वाला था, जो कि असरदार आयुर्वेद पे हम डालते हैं। आपने वो चैनल नहीं देखा तो प्लीज से चेक कीजिएगा, असरदार आयुर्वेद, जहां पर मैं सिर्फ आपको हर्बल नॉलेज देता हूँ, होम रेमेडीज के बारे में बताता हूँ, देसी उपाय के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे डाइट यही है, सिंपल से आप रखो डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लो, जिसके अंदर प्रोटीन हो, पनीर दूध पी सकते हो, लेकिन जंक फूड अवॉइड करो, तेल, मिर्च, मसाला, इनको अवॉइड करो। ठीक है, हेल्दी डाइट लो, जल्दी ठीक हो जाता है। तो यही है दोस्तों लेप्टोस्पायरोसिस। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होगा, घंटी, उसको दबा दीजिए ताकि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।